आदिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चंद्रप्रभ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज के मंगल महोत्सव की, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, धर्म प्रेमी भव्यात्मा, अभी आप लोग यहाँ पर अभिषेक का मंगल कार्य देखेंगे, करेंगे भी, और उस कार्य में साक्षात आप सहभागी बनेंगे। उसके पूर्व ये लोग जो आज के दिन कुछ अभिषेक और भगवान की शांति धारा और जो यहाँ पर शिखर पर मंगल 11 ध्वजाओं का स्थापन होने का जो भाव है इन लोगों का, उसका ये महत्व पहले से ही जान चुके हैं। फिर भी बहुत सा जन समुदाय ऐसा रहता है जो केवल नए वर्ष में ही भगवान के दर्शन करता है और नए वर्ष में ही कुछ नया भाव, नया ज्ञान, नया विचार प्राप्त करने की कोशिश करता है। उन सभी भव्य जनों के लिए कि जो यहाँ भगवान को आज सुबह सुबह जिस तरह से देखने के लिए आए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके मंदिर में हमेशा ऐसी ही भीड़ लगी रहे और ये लोग हमेशा आपको ऐसे ही देखने के लिए आया करें। लेकिन विशेष लोगों के साथ में जब विशेष अनुष्ठान होते हैं, विशेष अवसरों पर ही कुछ विशेष कार्य होते हैं, तभी कुछ लोगों के मन में विशेष भाव उत्पन्न होते हैं और वो विशेष भाव की नियत भी तभी बनती है कि जब कोई विशेष सानिध्य हो। जैसे हम आपसे कहते हैं तो आप भी कह सकते हो कि महाराज आप भी यहाँ रहोगे हर वर्ष, तो फिर हम भी ऐसे ही रहेंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की। तो जो कुछ भी विशेष होता है उस विशेष का आप लोग आनंद लिया करो, और वह आनंद अगर ऐसे जिनायतनों में आए, भगवान जिनेन्द्र देव के समक्ष आए, वीतराग प्रभु के और वीतराग गुरु के समक्ष आए, तो वो आनंद जो होता है वह शुद्ध आनंद होता है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो प्योर प्लेजर होता है। और बाकी जो कुछ भी आप 31st में हुल्ला करके आए हो वो सब क्या है? वो सब इम्प्योर प्लेजर है। तो अपने मन में ये ध्यान रखो कि शुद्ध आनंद शुद्ध भावों के साथ आता है, शुद्ध मंगल आयतनों के साथ आता है, शुद्ध देवशास्त्र गुरु की आराधना करने के साथ आता है। इसलिए भगवान के साथ में हम और क्या कर सकते हैं? जब हम स्वयं ऊपर से नीचे तक अपने आप को आह्लादित करते हैं तो हमारे मन में भी एक भाव आता है कि हम भगवान की जो जिनेन्द्र भगवान की जो प्रतिमाएँ हैं, इनका अभिषेक करने का मतलब है कि हम अभिषिक्त कर रहे हैं इनको। क्या कर रहे हैं? अभिषिक्त का मतलब होता है इनका अभिसिंचन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और अभिसिंचन का मतलब होता है कि हम इनके अंदर जो कुछ भी गुण हैं, इनके अंदर जो कुछ भी शक्तियां हैं, इनके अंदर जो कुछ भी रिद्धियां सिद्धियां हैं, उन सबको हम खुद अपने ही भावों से इस तरीके से सिंचित कर रहे हैं कि भगवान का अभिसिंचन भी हो जाए और हमारा मन भी जो है उसी तरीके के भगवान के गुणों में अभिसिंचित हो जाए। ये सबसे बड़ी मंगल भावना होती है अभिषेक करने की। ठीक है ना? इतनी तो नहीं कि केवल जो है भगवान के ऊपर
हमें तो केवल इतना ही प्रयोजन है कि बस केवल ऊपर से थोड़ा सा जल ढहला दिया जाए, है ना। जल ढोलना नहीं कहा गया, क्या कहा गया? अभिषेक। अभिषेक सिच धातु सिंचन अर्थ में आती है। जैसे सिंचन होने पर किसी भी पौधे के नीचे हम पानी डालते हैं तो वो ऊपर तक पहुंचता है, और यहां हम प्रभु के ऊपर पानी डालेंगे तो अपने भीतर तक पहुंचेगा, इसलिए इसका नाम कहलाता है अभिषेक। कि हम भी बिल्कुल तरल हो जाएं, द्रवित हो जाएं, अपने अहम को भूल जाएं, और हम बिल्कुल जो है भगवान की तरह ही मृदु हो जाएं, सरल हो जाएं, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का पाप न बचे। और हे भगवान, जो हम पिछली रातों में पाप करके आए हैं वो सब आपके दर्शन से और आपके इस अभिषेक से धुल जाए, ऐसी भावना करते हुए ये भगवान का महा अभिषेक किया जाता है। और जब कोई बहुत बड़े अच्छे समुदाय के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में, अनेक अनेक विशिष्ट विशिष्ट प्रधान प्रधान लोगों के साथ में, जब इस प्रकार का कोई भी समुदाय के साथ में आयोजन होता है तो उससे भी कई गुना और ज़्यादा फल मिलता है। और वह फल ऐसा मिलता है कि जो देखने वाले लोग होते हैं, उन देखने वाले लोगों के मन के भी कालुष, उनके भी पाप अपने आप धुलने लग जाते हैं। और उनके पाप भगवान के अभिषेक से क्या धुलेंगे? आप देखोगे कि अगर यहाँ पर पुरुष लोग इस तरह के वस्त्रों में, जो केसरिया वस्त्र है और इस तरीके के ये मंगल वस्त्र हैं, इनको देख करके ही इन स्त्रीजनों के पाप तो इनके ही वस्त्रों को देख करके धुलने लग जाते हैं। और यह भावना जो सब सामान्य जनों में आती है, इसी के माध्यम से यह जो अभिषेक है ये विशिष्ट अभिषेक बन जाता है, मंगलकारी बन जाता है, अतिशयकारी अभिषेक बन जाता है। ऐसे अभिषेक करने के लिए आप लोग उल्लसित रहें, उत्साहित रहें। जो कुछ भी आगे इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा होगा वो आपको ये बताएंगे, तो उसमें आप थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके भाग लें कि हमें यह कार्य पहले हमें करना है। कैसा भाव करना है? पहले हमें करना है। इस तरीके का जो उल्लसित होने का भाव आता है, उस भाव से हमारे अंदर के पुण्य भाव और वृद्धिंगत होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आज आपके मंदिर के ऊपर 11 ध्वजाओं की स्थापना होगी, तो वो 11 ध्वजाओं का प्रतीकात्मक रूप हमने कल बताया था कि देखो जैसा होता है कि, आज हम आपको एक नई चीज बताते हैं, कल जो बताया था वो नहीं दोहराते हैं, ठीक है ना। भले ही कल के लोग यहाँ पर हो या ना हो और आज नए लोग हो, देखो हम एक चीज जानते हैं कि हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि जैसे मान लो 170 देश हैं, है कि नहीं। हमारे लिए कई बार एक शौक हुआ करता था कि हम हर एक देश का सिक्का अपने घर में रखें, नहीं समझ आ रहा है? करेंसी, हाँ करेंसी उसकी। तो कई बार लोग डॉलर वगैरह भी अपने पास में रखते हैं, समझ आ रहा है, और जहां जहां की जो कोई भी करेंसी होती है उस करेंसी को भी कलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? एक प्रतीकात्मक होता है कि नहीं, कि भाई हाँ ये देशों की भी हमें मतलब एक जानकारी भी है, और इन इन देशों की जो ये विशेष करेंसी है इसके माध्यम से भी जो है हमारे लिए ऐसा लगता है कि हम जो है सब देशों से मिले हुए हैं। ऐसा भाव आता है कि नहीं आता? कई लोग तो क्या करते हैं, कि इसी बात की एक कंपटीशन भी बना करके रखते हैं, तुम्हारे पास में विदेशी मनी कितनी है, या कहीं कहीं की करेंसी कितने प्रकार की तुम्हारे पास में इकट्ठी है। तो ये भी एक अपने आप में, जिस तरीके से आप भाव करते हो, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भरत क्षेत्र में जो आप लोग रह रहे हो, ये जम्बू द्वीप का केवल एक हिस्सा है। इस भरत क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं, सुमेरु पर्वत हैं, ये जम्बू द्वीप में बहुत सारी चीजें हैं, सुमेरु पर्वत है, कोलाचल पर्वत है, अनेक प्रकार के जम्बू वृक्ष हैं, सालमली वृक्ष हैं। इसके बाद जब हम धातकी खंड द्वीप में जाते हैं तो वहां पर वो इस्वाकार पर्वतों से उस द्वीप का विभाजन होता है,
उसके आगे जब हम मानसोत्तर पर्वत की ओर जाते हैं तो वहां पर भी मानसोत्तर पर्वत होते हैं और उस मानसोत्तर पर्वत पर भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। मतलब यह है कि इस ढाई द्वीप के अंदर बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालय हैं और उन अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या 458 बताई गई है मुख्य रूप से। कितनी अकृत्रिम चैत्यालय जो गिनने योग्य है उनकी, और जो असंख्यात संख्या में है उनकी संख्या नहीं बता रहे हैं। ढाई द्वीप के बाहर जो नंदीश्वर आदि हैं उनकी अभी गिनती नहीं है। तो ऐसा शास्त्रों में एक उल्लेख मिलता है कि हर अकृत्रिम चैत्यालयों की अपनी एक पहचान होती है। जैसे मेरु पर्वत है तो मेरु पर्वत की अपनी पहचान है, तो वहां मेरु पर्वत के जो जिनालय होंगे उन जिनालयों में जो ध्वजा होती है वो ध्वजा होती है उस पर एक चिन्ह होता है, उस वस्त्र का चिन्ह। किसका चिन्ह होता है? वस्त्र का चिन्ह होता है। तो वहां पर वस्त्र के चिन्ह की ध्वजा की मुख्यता है। जब हम कुलाचल पर्वतों पर जाते हैं तो वहां पर एक चिन्ह होता है, ध्वजाओं का जो चिन्ह होता है सिंह का चिन्ह। जब हम नंदीश्वर आदि पर्वत की ओर जाते हैं तो वहां पर ध्वजाओं का चिन्ह होता है गरुण का चिन्ह। तो एक ऐसा मन में भाव आया कि आखिर ये जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं इनमें भी सब मिलाकर के 10 प्रकार की ध्वजाएं होती हैं। सब मिलाकर के सबको इकट्ठी किया जाए तो कितनी ध्वजाएं हैं? 10 प्रकार की ध्वजाएं हैं। मतलब ये समझ लो कि हम 10 ध्वजाओं का आलंबन लेकर के जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन अकृत्रिम चैत्यालयों की ध्वजाओं की स्थापना हम अपने जिनालय पर कर लेते हैं और उसके माध्यम से हम अपने कृत्रिम चैत्यालय को अकृत्रिम चैत्यालय की सूची में पहुंचाने की एक बहुत अच्छी भावना बना लेते हैं। समझ आ रहा है? घर बैठे और क्या कर सकते हो, है ना? दूसरे का झंडा अपने यहां ले आओ और अपने यहां गाड़ लो। नहीं समझ आ रहा? अगर आप मान लो यूएस की या पाकिस्तान की या चीन की मान लो आप तरफदारी करते हो तो आप क्या करोगे? अपने घर में उसका झंडा लगाओगे। समझ आ रहा ना? यही तो एक समर्थन की बात होती ना। तो ऐसे ही तीन लोक में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनकी प्रभावना बढ़ाएंगे और उनकी भावना को अपने मन में लाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? उनका झंडा अपने घर में गाड़ लो। समझ आ रहा है ना? तो ये बहुत अच्छा उपाय अपने दिमाग में आया कि 10 प्रकार की ध्वजाएं की महत्ता हमेशा हर अकृत्रिम जिनालयों में होती है और उनमें से हर एक अकृत्रिम जिनालय की अपनी अपनी विशिष्ट एक ध्वजा होती है। समझ आ रहा है? तो वो सब इसी 10 ध्वजाओं में से कोई ना कोई ध्वजा होती है। समझ आ रहा है? दूसरी बात, हर अकृत्रिम जिनालय में ये एक एक तरह की ध्वजाएं 108 प्रकार की होती हैं। 108 होती हैं। कितनी होती हैं? आप तो केवल एक ही एक की बात कर रहे हो, है ना? ये सब 108 होती हैं। और समौसरण इत्यादि में भी ध्वजा भूमियां होती हैं, तो उन भूमियों में पूरे में, जैसे मान लो आपका मंदिर तो कुछ भी नहीं है, पूरे मॉडल टाउन से भी बड़ा, समझ आ रहा है? इतनी बड़ी बड़ी भूमियां हैं तो उनमें ध्वजाई ध्वजा लगी रहती हैं, ध्वजाई ध्वजा लगी रहती हैं। तो ध्वजाओं का अपने यहां बड़ा महत्व था। समझ आ रहा है? लेकिन आप श्रावक लोग भूल गए। उस ध्वजा के महत्व को और बढ़ाने के लिए आज आपके लिए एक ऐसी प्रक्रिया बताई जाएगी कि उसमें आप इतने आलसी हो चुके हो कि आप आजकल जो ध्वजा लगाते हो वो ध्वजाएं ऐसी लगा देते हो कि एक बार आपने वो पीतल का डंडा लगा दिया और पीतल की ध्वजा लगा दी, वो फिक्स हो गई। समझ आ रहा है? अब वो ध्वजा क्या कहलाती है? ध्वजा तो वो कहलाती है जो हिले ढुले, जैसे पताका बोलते हैं। समझ आ रहा है? जो कुछ संदेश देती है कि हाँ भाई हवा इधर की चल रही है कि उधर की चल रही है। पताका एक प्रकार का संदेश देने वाली होती है, भाई आओ जी आओ जी आओ जी, यहां जिनालय है, यहां जिनेंद्र भगवान का मंदिर है। समझ आ रहा है? देव लोगों को बुलाती है। तो इस तरीके की इस पताका का एक स्वरूप हुआ करता था, आपने उसको एक सिंबॉलिक बना करके उसको फिक्स कर दिया। समझ आ रहा है? कभी तेज हवा चली, लगाई थी आपने पूरब में, घूम गई दक्षिण में। समझ आ रहा है? अब दक्षिण में ही पड़ी है, घूमगे। समझ आ रहा है? तो अब उसका दोष और ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से ध्वजाएं पहले शुभ नहीं मानी जाती थी, आज भी नहीं मानी जाती हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार भी ध्वजा हमेशा कपड़े की ही होनी चाहिए। समझ आ रहा है? आलस्य के कारण से आपने ऐसे फिक्सेशन वाले प्रोग्राम शुरू कर लिए, तो उन प्रोग्रामों में जो जंग लग चुकी थी, उस जंग को हिलाने के लिए हम महाराज लोग यहां आए कि आप थोड़ा सा हिलो, अपनी आलस्य को छोड़ो, है ना। और आलस्य को छोड़ करके वहां पर जो है अच्छी ध्वजा लगाओ। एक ध्वजा होगी मूल ध्वजा, जो 10 ध्वजाओं से भी बढ़कर के ऊंचाई पर होती है ना। एक और शास्त्रों में नियम मिलता है कि जब हम मंदिर के शिखर पर एक ध्वजा लगाते हैं तो एक ध्वजा लगाने में वह सामान्य ध्वजा कहलाती है। सामान्य ध्वजा जो होती है वो जरूर होनी ही चाहिए, क्योंकि मंदिर कभी भी ध्वजा के बिना नहीं होना चाहिए। कम से कम मंदिर पर एक ध्वजा अवश्य होनी चाहिए, इसलिए एक ध्वजा का विधान हमेशा मिलता है, एक मंदिर में एक ध्वजा अवश्य हो। अब अगर उस एक ध्वजा के आसपास 10 ध्वजाएं और उन 10 ध्वजाओं की और भी ध्वजाएं छोटी छोटी और 108 1008 ऐसी बनती चली जाती हैं वो हो, तो वो सब ध्वजाएं मिलकर के उसकी परिवार ध्वजाएं बनती हैं, और जो मूल ध्वजा कहलाएगी वो उसकी महाध्वजा कहलाती है। समझ आ रहा है? अपने मंदिर की सामान्य ध्वजा को महाध्वजा बनाने के लिए आपको अपने आसपास जो है उसके 10 ध्वजाएं और लगा लेना चाहिए, ताकि वो भैया जो लोग सामान्य कलश वाले जो हैं, प्रणम सागर चंद्र सागर कलश के माध्यम से अभिषेक करने वाले जो लोग हैं वो वेदी के पीछे चले, क्रमशः पंक्ति से आएंगे। भैया जल्दी व्यवस्था बनाओ, अभी केवल मुकेश जी, अभी आप थोड़ा सा इनको करने दो, एक परिवार ही ऊपर रहेगा वेदी पर, उसके बाद दूसरा परिवार चले अर्घ लेंगे। आनंद निरभर सुर प्रमादादि, बाकी लोग बैठे रहेंगे भैया, पीछे वालों को नहीं दिखेगा, आगे वाले बैठे रहेंगे, कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होगा, आगे वाला जिसको खड़ा होना वो पीछे जाके खड़े होंगे, सबको दिखेगा नहीं। आनंद निरभर सुर प्रमादादि गानैर्वादेन्द्र पुर जय सप्त कला प्रशस्तै उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थले सुविधार्चन योल्लसामी। ओम ह्रीं इसवन पीठ स्थित जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। तो अब मेला कैसे देखेंगे हे भैया, सब लोग बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं रहेगा। इतनी भीड़ क्यों लगा ली आपने भैया? बैठे आप लोग सामान्य कलश वाले बैठे, अभी नंबर नहीं आना है, 31 कलश वाले भी बैठ जाएं। पीछे बहुत सारे लोग बैठने देखने पीछे के लिए वालों को दिखाई नहीं देगा, बीच में जो लोग खड़े हो गए ये भी बैठ जाएं, पीछे की पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हो सकते हैं केवल। भैया ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, आप सब बैठिए, केवल 3 परिवार खड़े रहेंगे, तीनों वेदी पर 3 परिवार रहेंगे, बाकी सब बैठ जाइए। कर्म प्रबंध निगणैरपिहीन ताप्तं यतापि भक्ति वसता परमादिदेवं त्वं स्वीय कल्मस गणोन्मतना देव सुतोदकैरविनयामिमा अभिषेकम्। चले भैया
देखिए जो हमारे प्रथम तीन अभिषेक कर्ताओं के नाम हमने लकी ड्रा से निकाले हैं, भाई राजेश जी एंड परिवार, भाई मुकेश जी, श्री चमन लाल जी, कृपया वो आगे लाइन में रहें, बाकी थोड़ी सी व्यवस्था बनाए। चलें भैया मुख्य वेदी पर जो अभिषेक कर रहे हैं वो एक ध्यान रखेंगे सब लोग, केवल मूल नायक महावीर भगवान का ही अभिषेक करना है और बाकी जो सुपार्श्वनाथ भगवान और यहाँ जो आजू बाजू में दोनों भगवान हैं उनका अभिषेक नहीं करना है, ध्यान रखें। चलें बोले महावीर भगवान की। ओम नेम श्रीम क्लीम एम हरम बम बम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीम 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 राम राम ह्रीम ह्रीम द्रव द्रव नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनेन जन्म विशेषयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैनी रई क्षीरवारिधि रूप कई नपयामि सुजन्माप्तांजिनां सर्वार्थसिद्धिनां। ॐ ह्रीं श्रीं वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं निस्नपयाम। 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलि निस्नपयाम। ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलि निस्नपयाम। सोने की गगरी में चल भर लो, सोने की गगरी में चल भर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो। सोने की छारी में चल भर लो, सोने की छारी में चल भर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो। भैया एक ये कैसे लोग जा रहे हैं? अरे आप एनसीजन साहब कलश रोक दो, अभी नाम 3100 वाले 31000 वाले वो 31 कलश थोड़ी है ये, नहीं आप उनको नाम दीजिए, लिस्ट दीजिए, हम लिस्ट दीजिए भैया, हम आप नीचे नहीं, जिनके 31 कलश है वो मुख्य कलश वाले आएंगे, नाम की लिस्ट कहाँ है? अरविंद जी वहां जाइए, जिनके 31 कलश है पहले उन्हीं को आने दीजिए। देखिए कृपया व्यवस्था बनाए रखिए, जो आचार्य ज्ञान सागर विद्यासागर जी कलश के लेने वाले हमारे महानुभाव हैं, प्रथम कलश उनके होंगे। कुकरने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जल गगरी, कुकरने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जल गगरी, लाए जल गगरी जुमे परी नगरी, लाए जल गगरी। श्री प्रमोद जैन जी कृपया महामस्तक अभिषेक के लिए आ जाए, श्री प्रमोद जैन जी कृपया महामस्तक अभिषेक के लिए आ जाए, इसके पीछे श्री आदेश जैन जी, श्री आदेश जैन जी कृपया सह परिवार महामस्तक अभिषेक के लिए आ जाए, कृपया जिन जिन का नाम पुकारा जाए वो ही मुख्य वेदी पर आए, सभी सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए रखें। देखिए आप लोगों से पुनः पुनः निवेदन है, कृपया व्यवस्था बनाए रखिए, कृपया व्यवस्था बनाए रखिए, हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, जिन जिन का नाम पुकारा जा रहा है, जो आचार्य
ज्ञान सागर विद्या सागर जी कलश के लेने वाले हैं, वो कृपया महामस्तक अभिषेक के लिए वेदी पर आए। प्लीज कृपया व्यवस्था बनाए रखिए, बार बार अनुरोध किया जा रहा है आप लोगों से। श्री प्रमोद जैन जी कृपया मुख्य वेदी पर आए, सह परिवार जिन जिन के नाम पुकारे जा रहे हैं वो कृपया सह परिवार वेदी पर आए, सह परिवार कलश है ये। श्री आदेश जैन जी, श्री आदेश जैन जी सह परिवार, देखिए पुनः बार बार निवेदन है कि जिनके नाम नहीं पुकारे जा रहे हैं वो कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। स्वर्ण कलश में जल भर करके गंग सिंधु से लाए, स्वर्ण कलश में जल भर करके गंग सिंधु से लाए। निज तन मन को पावन करिने, निज तन मन को पावन करिने, जिन अभिषेक कराए। चाहे खुशियाँ चारों ओर हमारे नगरी, चाहे खुशियाँ चारों ओर हमारे नगरी, वो करिने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए। जले गगरी लाए जले गगरी, जुमे सारी नगरी लाए जले गगरी, जुमे सारी नगरी, करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले गगरी, करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले गगरी। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक, महावीर भगवान का मस्तकाभिषेक, चंद्रप्रभु भगवान का मस्तकाभिषेक, पांशुनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। चंदन के सर पुष्पों की झड़ी लगी, देखन को ये दृश्य भीड़िया कितनी बड़ी लगी। बहक रहे चंदन के सर पुष्पों की झड़ी लगी, देखन को ये दृश्य भीड़िया कितनी बड़ी लगी। ऐसी चटा लगे मन मागन, पाखन मन बरसे जो सावन, आज यहाँ वे जुड़े जिन्होंने जोड़े पुत्र गने। मस्तक अभिषेक महावीर भगवान का मस्तक अभिषेक, चंद्र प्रभ भगवान का मस्तक अभिषेक, पार्श्वनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक। जो भी अभिषेक करने वाले हैं वो ध्यान रखें, अभी पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद के साथ जो आपको कलश है वो भेंट किया जाएगा गंधोदक के शांति धारा के पश्चात। अभी कोई भी ना जाएं, शांति धारा के बाद ही जो है अपना कलश लेकर के ही यहाँ से जाएं। सब लोग बैठें और भैया एक बात ध्यान रखें, जैसी व्यवस्था बनाई गई थी कि जो चंदप्र भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की वेदी पर जो मुख्य पुण्यार्जक परिवार है, एक परिवार ही अभिषेक शांति धारा करेगा,
शेष लोग मूल वेदी पर वहीं पर अभिषेक करेंगे। सब लोग बैठते जाएं अभिषेक करके आगे चले। राजेश भैया, महावीर की मूंगावरणी पूरत मैंने हारी, महावीर की, जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो बैठते चले जाएं, आगे बैठते जाएं, चले भैया। महावीर की मूंगावरणी पूरत मैंने हारी, वो कलशा डालो रे, वो कलशा डालो रे, डालो रे डालो सब भाई, वो कलशा डालो रे, डालो रे डालो सब भाई। महावीर की मूंगावरणी पूरत मैंने हारी, महावीर की मूंगावरणी पूरत मैंने हारी, कलशा डालो रे, वो कलशा डालो रे, डालो रे डालो सब भाई, वो कलशा डालो रे, डालो रे डालो सब भाई। अभिषेक करने के बाद आगे बैठते जाएं, कोई भी खड़ा नहीं रहे, व्यवस्था करेंगे। नमन कराओ माता त्रिशला के लाल को, त्रिशला के लाल को, सिद्धार्थ के गोपाल को, एक वर्ष का एक कलशा पूरे 8 दिनों के 8, 1008 कलशों से नहाए जगत सम्राट, कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे डालो सब भाई, कलशा डालो रे बालो सब भाई। महावीर की सुंदर प्रतिमा ये है मैंने बाई, महावीर की सुंदर प्रतिमा ये है मैंने बाई, कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे डालो सब भाई, कलशा डालो रे, डालो रे डालो सब भाई। कलश भराओ मेरे ऊपर ले जाओ के जिन वर नवन करे, मंगल कलश भराओ मेरे ऊपर ले जाओ के जिन वर नवन करे, वो नवन करे स्वामी नवन करे, नवन करे स्वामी नवन करे, मंगल कलश भराओ मेरे ऊपर ले जाओ के जिन। भैया 31 मुख्य कलशों के परिवार का अभिषेक हो गया हो तो शेष लोग बैठ जाएं और अभिषेक बंद कर दें। 31 मुख्य कलशों का अभिषेक होने के बाद अभिषेक रोक दें, शांति धारा करेंगे, उसके पश्चात जो है हम शेष जो हमारे पात्र हैं उनका अभिषेक कराएंगे। पूज्य मुनिश्री को अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपना वहां जाना है, इसलिए हम पहले शांति धारा कर रहे हैं और उसके पश्चात से सभी इंद्र अभिषेक करेंगे। सब लोग बैठ जाएं, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा शांति धारा के उसमें, बैठ जाएं भैया। जिन्होंने अभिषेक किया है वो भी बैठ जाएं और अगर नहीं भी किया है तो भी बैठ जाएं। ओ नमो अरिहंताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो उवज्जायाणम् इडमो लो सवसाहूणम् चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम
साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम म्रीमनादि मूल मंत्रिभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो भगवते भगवते प्रक्षीणाशीष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा असिया उषा नम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु। ओम रूम छूम फट किरीटिम किरीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोट स्फोट से खंडान गुरु गुरु पर मुद्रां छिन छिन पर मंत्रान छिमिंद विन छे छे रूम फट सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्रीम क्लीम अरहम असिया उषा अनाहत विद्यायमो रंताड़म रोम सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम अह्राम सी ह्रीम आह्रूम उह्रौम साहर जगदापद विनाशनाय रीम शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत प्रातिहार मंडताय अशोक तरु सत प्रातिहार शोवन पद प्रदाय हरण जुम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार शोवन पद प्रदाय भलमृु बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार मंडिताय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार शोवन पद प्रदाय मलब्रियम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय चामरोज्वल सत प्रातिहार मंडिताय चामरोज्वल सत प्रातिहार शोवन पद प्रदाय रलभ्यूम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत प्रातिहार शोवन पद प्रदाय घरभ्यूम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत प्रातिहार शोवन पद प्रदाय घरभ्यूम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय धुंधवी सत प्रातिहार मंडिताय धुंधवी सत प्रातिहार शोवन पद प्रदाय स्मल भ्यूम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत प्रातिहार मंडिताय छत्रत्र सत प्रातिहार शोवन पद प्रदाय खल भ्यूम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार अष्ट सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम अरहम नमो जिनाणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। सब लोग सर्व शांतिर भवतु स्वाहा बोलेंगे। ओम रीम अरहम नमो ओहि जिनाणम सर्व शांतिर भवतु। ओम रीम अरहम नमो परमोहि जिनाणम सर्व शांतिर भवतु। कहां गया? ओम रीम अरहम नमो सब्बो हि जनानम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो अनंतो हि जनानम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो कोट बुद्धिणम नमो सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो बीज बुद्धिणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो संबिंड सोदाराणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धाणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धाणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो बोहि बुद्धाणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो उज्मदीणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो भूलमदीणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो दसपुब्बीणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो चौदसपुब्बीणम सर्व शांतिर भवतु स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो अठंग महानमित्त कुशलाणम सर्व शांतिर
शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो भोगवैड्डिपत्ताडं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो विज्जाहरणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो चारणानं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो पंड समणानं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो आकाशगामिनं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो आशीविषाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो दिट्ठिविषाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो उद्गतवाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो दित्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो तत्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो महातवाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो घोरतवाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो घोरगुणाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो घोरपरक्रमाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो घोरगुडबंभयारीणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो आमोसई पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो खिल्लोसई पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जल्लोसई पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो विप्पोसई पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो सब्बोसई पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो मणवलीणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो वचवलीणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो कायवलीणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो क्षीरसवीणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो सप्पीसवीणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो मौरसवीणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो अमीयसवीडम सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो अक्षीणमानसाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो वड्ढमानाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो सिद्धायतनाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो भगवतो महदी मेहदी महावीर वड्डमान बुद्ध ऋषिडो चेदी जस्संतियं दम्म पहमणियं चेतस्संतियं वेडयं पौंजे कायडवाच्या मनसा विनिच्चं सक्कारये तं सिरपंचमेण तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज्य के पद भ्रष्ट भद्र दारिद्र भद्रव उपद्रव सचक्र पर चक्रोद्भव उपद्रव प्रचंड पवनालंजलोद्भव उपद्रव शाकनी डागनी भूत पिशाच कृत उपद्रव दुर्विक्ष व्यापार रहित उपद्रवाणाम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु नाम बोलना किसी का सृष्टि हाँ सब हो गए सर्वेषां शांतिदारां कुर्वतां पश्यतां च सर्वभव जीवानां पुष्टिरस्तु सदास्तु सृष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं अस्या उषा नाथ विद्याय नमो रंताड़म रोम सर्वघ्न शांतिम जिनसासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरं श्री ओम ह्रीं अरं क्लीं ऐं अरं सर्व शांतिम कुरु कुरु जिनसासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरं सर्वघ्न शांतिम जिनसासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु सदास्तु प्रध्वस्तगाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्या जिनेश्वरः संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र चले बोले शांतिनाथ भगवान की। भैया दोनों वेदियों पर अब अभिषेक नहीं होगा। चंदप्रभ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की वेदी पर अभिषेक तुरंत बंद कर दें। केवल मूल नायक भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक जो रह गए हैं शेष वो लोग चलेंगे। क्रम से चलते रहें चलें। और जो 31 मुख्य कलश के पुण्यार्जक परिवार हैं उनको हम अभी कलश भेंट कर रहे हैं समिति की ओर से पूज्य मुनित्व के आशीर्वाद के साथ शांति धारा और अभिषेक के कंदोदक के साथ।
चले भैया, राजेश भैया बैठे रहेंगे, सब लोग बैठे रहेंगे, जिसका नाम लिया जाएगा वही आएगा। भैया चले सब लोग आ जाएं, बैठते जाएं अभिषेक करके। चल भैया राजेश भैया, करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले गगरे, करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले गगरे, लाए जले गगरी, लाए जले गगरी, लाए जले गगरी, लाए जले गगरी, करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले गगरे, करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले गगरे। कलश में जल भर कर कर गंग सिंधु सहलाए, स्वर्ण कलश में जल भर करके गंग सिंधु सहलाए, निज तन मन को पावन करने, निज तन मन को पावन करने, जिन्हें अभिषेक कराए, छाई खुशियां चारों ओर हमारी नगरी, छाई खुशियां चारों ओर हमारी नगरी, हमारी नगरी जी हमारी नगरी, हमारी नगरी बड़ी प्यारी नगरी, करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले गगरी, करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले गगरी। श्री जी को लाकर सिंहासन पधराए, वेदी से श्री जी को लाकर सिंहासन पधराए, तीन छत सिर पर शोभित है, तीन छत सिर पर शोभित है, चौसठ चमर टुलाए, नाचे झूमे चारों ओर हमारी नगरी, नाचे झूमे चारों ओर हमारी नगरी, हमारी नगरी बड़ी प्यारी नगरी, हमारी नगरी बड़ी प्यारी नगरी, करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जल गगरी। श्री आर के मार्बल वंडर सीमेंट परिवार की ओर से शांति धारा के उपलक्ष में 1,01,111 रुपए की राशि मंदिर जी के लिए दान स्वरूप की घोषणा की गई है। हम उनके भावों की अनुमोदना करते हैं। मैं महाकुंभ में जल भर कर श्री महावीर का नवन करे, महाकुंभ में जल भर कर श्री महावीर का नवन करे, अयोध्या नगरी में जाकर श्री जिनवर का नवन करे, श्री जिनवर का नवन करे। सुखकारी सब दुखहारी, हे सुखकारी ओ, हे सुखकारी सब दुखहारी, सेवा जिनकी प्यारी प्यारी, सेवा जिनकी प्यारी प्यारी, मन में आनंद बनाओ मेरु पर ले जाओ, के जिनवर नवन करे, महाकुंभ में जल भर कर श्री पाशुनाथ का नवन करो, महाकुंभ
कुंभ में जल भर कर श्री चंद्र प्रभु का नवन करो। अयोध्या नगरी में जाकर श्री चिंतवर का नवन करे। अयोध्या नगरी में जाकर श्री चिंतवर का नवन करे। जन्म जन्म के संचित पात के
जी के चरण पकारे, हमने प्रभु जी के चरण पकारे। अविनाश भैया जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो बैठते जाएं भैया, जल्दी करें। चल के कलश श्री चेने प्रातुक, चल के कलश श्री चेने प्रतिमाओं पर डारे, प्रातुख चल के कलश श्री चेने प्रतिमाओं पर डारे, हमने प्रभु जी के चरण पकारे, हमने प्रभु जी के चरण पकारे। हरिहंत देव के वीतराग, हरिहंत देव के पूजे जय जय पारे, हमने प्रभु जी के चरण पकारे, हमने प्रभु जी के चरण पकारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक तक्षण ही निर्वारे, हमने प्रभु जी के चरण पकारे, हमने प्रभु जी के चरण पकारे। यह विचिठाड़ो हो के प्रथम पड़े जो पाल, धन्य जिनेश्वर देव तुम आशे कर मजुपाल, अनंत दुष्टय के धनी तुम गी हो सिरताज, मुक्ति वधु के कांत तुम दीन भुवन के राज, प्यूचल की पीड़ा हरने अवदत शोषण हार, गायक हो तुम विष्णु के शिव सुख के करतारे। करता अगन यार के करता धर्म प्रकाश, चिरता पद दातार हो धरता निज गुण राज, धर्मामृत और जल घिसो ज्ञान बान तुमरो, तुमरे चरण सरोज को नावत दियो जग भो, वंदो जिन देव को कर अत निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने पूरे न कछु पावे, भविजन को भव गोपते तुम ही कारण हार, दीन दयाल अनाथ पद आत्म गुण भंडार, दानंद निर्मल कियो दोय करम रज मेल, सरल करिया जगत में भविजन को सिखे, पद पंकज पूजते विघ्न रोग टल जाय, शत्रु में तथा बोधरे विच निर्विचता गाय, चक्र कर दो इंद्र पद मिले आपते आप, अनुक्रम ते सिपद लहे नेम सकलहन पाप, तुम बिन में व्याकुल व्यो जैसे जल मिन में, जन्म जरा मेरी हरो करो महास्वाधीन, बहुत पावन किए गिनती फोन करे, अंजन से सारे प्रभु जय 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 जिन देव, सहित जग में जुलो मिलो सराव के विषे, तुम प्रभु पार करे केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव, राग सहित जग में रुलो मिलो सराव के देव,
वेत राग भेटो अब्यो बेटो राग कुटे कितने मोद कितनार की कित तेरी अच अज्ञान आज धन्य मानुष पयो पायो जिन वरदान आपको पूजे सोरे पते अरपति नरपति दे धन्य भाग मेरो बयो करण लगयो तुमसे अचरण के तुम शरण हो निराधार आधार मैं डो मत भव सेंदु में केवल लगाओ पारी इंद्रादिक गणपति तके कर विनती भगवान अपनो विरद निहार के कीजे आप समान तुमरी नेक सदृष्ट थे जग कुतरत है पार आहा डूबो जात हो नेक निहार निकारी जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उर्जा मेरे तो सो बने साते करो पुकार वंदो पांचो परम गुरु सुर गुरु वंदत चार विघ्न हरण मंगल करण पूरण परम प्रकाश चौबीसो जन पद नमो नमो शारदा मां से मग साधक साधक नो नमो रज प्रसाद मंगल मूर्ति परम पद पंचतरो नित ध्यान करो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान मंगल जिनवर पर जन्मो मंगल अरहंत दे मंगल कारी शिव पद सोनो समय मंगल आचार्य जय मुनि मंगल गुरु बजाए सर्व साधु मंगल करो बन्नो मन वच गाए मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन वरदान मंगल में मंगल करो करो साता कर या विधि मंगल से कर जग में मंगल हो मंगल रातू राव्यले अब सागर दड़पो प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जो बापे पारस बाबा पारस नाम हो जाए जो बापे पारस बाबा पारस नाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो बोले महावीर भगवान की। भैया जो भी हमारे व्यवस्थापक हैं ये बैरिकेड हटा दें ताकि लोगों को वहां बैठने को जगह हो जाए। आप लोग थोड़ा सा इधर चलें। पुस्तक विधान की सबके पास पहुंचेगी। आप व्याकुलता ना करें। हमारे पास 300 पुस्तकें हैं, हम 300 नहीं हैं, चिंता नहीं करें। एक 1232 नंबर 1232 नंबर की जो कार है वो किसी ने गलत जगह पार्किंग मेन गेट के सामने कर दी है, उसको कृपया करके हटा लें। 1232 1232 उसको हटा लें। हाँ, टोयोटा इटियोस जो गाड़ी है वो गलत जगह पार्क हो रखी है, उसको हटा दें। भैया बाकी अभिषेक पूरा हो गया हो तो अब बैठें। जो हमारे व्यवस्थापक हैं ये बैरिकेड्स हटा दें। भैया आप लोग थोड़ा सा यहाँ जो लोग बैठे हैं इधर आए आगे को, ये चौकियां वहां लगाएं यहाँ बार बार विधान के लिए। 1232 आप लोग किताब आ रही है आपको, सबको मिलेगी, पुस्तक की चिंता मत करो। भैया ये बैरिकेड्स हटा दें तो लोग वहां पहुंच जाएंगे उस तरफ। जो लोग यहाँ खड़े हैं वो उस तरफ आ जाएं, यहाँ घूम के आ जाएं इस तरफ। बैरिकेड्स निकलवा दिए हैं, निकल जाएंगे, आप आ जाइए वहां। मैं निवेदन करूंगा श्राविका श्रोमणी श्रीमती सुशीला जी पाटनी आरके मार्बल वंडर सीमेंट परिवार की, वो यहां आए और आज के इस विधान का मुख्य कलश स्थापना करें। श्रीमती अणिमा जी, दीपा जी, रेखा जी, बिन्नी जी, महिला मंडल, ये भी आ जाएं और कलश स्थापना मंडल पर करेंगे। निर्मल जी, शशि जी, शीला जी, सुनीता जी, सपना जी, राखी जी, ममता जी, सब लोग आ जाएं। भैया ये वाली जगह खाली रहने दें, यहाँ और कोई नहीं बैठेगा। आप लोग पीछे निकल के इधर आ जाइए इस तरफ, वहाँ पीछे आपके बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और वहाँ पर बहुत स्पेस है,
ओम भीम ओम भीम श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान करणार्थम स्वस्तये विधान मंडलस्य उपरि चतुकोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि ओम ओम रीम श्रीमंतम मगमंतम कृपाल संतम ऋष्वादी वीदान चतुर्वंशी तकान परम देव माध्यानाम आद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे देहली नामनी नगरे मॉडल टाउन नामनी उपनगरे माशा नाम उत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ ईस्वी संमते एकोनविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे ईस्वी संमते नव वर्ष नव प्रभात वेलायाम श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान करणार्थम नर रत्न गंधक्षादि शोभितम मंगल कलश स्थापनम करोमि रुचिर दीप्तिकरं शुभदीपकं सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रखरं सदा धरामि सुमंगलकं मुदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं स्थापयामि स्वाहा ले लें अष्ट प्रातिहार ले लें हाँ अभी हम करा देंगे उसको आप इधर आ जाओ राजेश भैया दीपक की बाती लाओ वो जाली लाओ ओम ह्रीं श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र मंडल विधानस्य उपरि